हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं? मेरा नाम एलएल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मैंने सोचा कि थोड़ा फनी फुनी फंक्शन हो जाए, क्योंकि एक दो वीडियो मैंने डाली हैं वो थोड़ी सी सीरियस हो गया है मामला। ठीक है, तो थोड़ा सा फंक्शन में भी रोस्ट करना चाहिए। मैं जो पाकिस्तानी को, पोर्किस्तानियों को रोस्ट करता हूँ, रोस्ट नहीं करता हूँ मैं तो, अपना यानी कि व्यू पॉइंट देता हूँ और उनके जो होते हैं उनको चोट पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो रोस्टिंग होती है वो भी मज़ेदार होती है, क्योंकि रोस्टिंग में ऐसा होता है कि फ़नी वे में आ जाता है। मैं थोड़ा सीरियस होता हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे को ऐसा फ़नी वे तो करना आता नहीं है, तो आपके साथ मिलके मैं ज़रूर ये फ़नी वे देख सकते हैं, हम मज़े कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में हंसना खेलना भी ज़रूरी होता है, हर टाइम सीरियस रह के भी, ठीक है, तो ऐसे तो ज़िंदगी चलती नहीं है। तो मैंने आज आपके साथ मिलके देखने का सोचा है कि हम क्यों ना एक फ़नी रोस्टेड वीडियो देखें। जो हमारे इंडियन भाई हैं, टुई ब्रो ऑफिशियल्स, इनका चैनल है यूट्यूब पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। तो इन्होंने रोस्ट किया है, तो इन्होंने जो नाम दिया है इसका रोस्ट वीडियो का, ये है पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट फेल्ड रोस्ट, करवा ली बेइज्जती। इन्होंने ना, मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान वाले ने ना हमारे ब्रह्मोस के चक्कर में ना मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश की थी। ये पाकिस्तानी तो मान ही नहीं रहे, मैंने कई यूट्यूब चैनल भी देखा, नहीं, ये हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने इसको शो किया है, क्योंकि जब पहले तो टेस्ट का नहीं बताया लोगों को, जब कर लिया तो वो भी मजाक मजाक में टाल दिया कि नहीं जी, हमने कोई किया नहीं है। तो आवाम तो ऐसे पागल ही है, ऐसी बातें रह छुपती तो होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम भी भारत किसी भी शरारत से बाज रहे, अच्छा, क्योंकि भारत के सभी बड़े शहर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पर टांगे राइफल। भाई लोग, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस का बदला लेने के लिए सिंध में एक मिसाइल परीक्षण किया, और हवा में जाते ही मिसाइल कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, और आखिरकार पाकिस्तान में ही नीचे गिरकर मिसाइल खत्म। लेकिन फिर भी इनका भारतीय टेक्नोलॉजी को लेकर कहना है, इनसे ये मिस फायर हुआ है या फायर किया, उस वजह से कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए इनका मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे पुअर है। मतलब भाई, खुद के मिसाइल खुद के ऊपर आकर गिर रहे हैं, मिसाइल की जगह कॉन्डोम उड़ाकर काम चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पर सॉफ्टवेयर छोड़ो, धूम मचाने वाला एक फोन तक नहीं बना पाए। लेकिन पोर्कियों का हिंदुस्तानियों के लिए कहना है, इनका मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे पुअर है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। भाई लोग, वो दिन दूर नहीं जब ये मिसाइल परीक्षण के नाम पर खुद को उड़ा लेंगे और बाद में कहेंगे रा की साजिश थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई। इनसे अपने देश में मिसाइल परीक्षण नहीं हो पा रहा और भारत इनके देश में घुसकर मिसाइल परीक्षण कर रहा है। भाई इस बीच एक बात तो क्लियर हो गई, हिंदुस्तानी मिसाइल 90 डिग्री टर्न लेने में सक्षम है और पाकिस्तानी मिसाइल यू टर्न। गजब बेइज्जती है, ताला जहां से छोड़ी वहीं जाकर गिरी। भाई इससे ज्यादा वफादार कौन हो सकता है, मिसाइल भी अपना मुल्क छोड़ने तक को तैयार नहीं, आखिरी सांस भी पाकिस्तान में ही ली। शरारत हो गई, शरारत की। और भाई अभी तो पाकिस्तान का माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि मिसाइल कोई भी देश छोड़े गिरेगी जाकर पाकिस्तान में ही, मानो पूरी दुनिया का पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण केंद्र बन गया हो। लेकिन फिर भी इमरान खान का कहना है, आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बने कोई ड्रोन अटैक हुआ है? भाई दूसरे देशों को अटैक करने की जरूरत ही नहीं, तुम खुद ही काफी हो अपना मुल्क उड़ाने के लिए। भाई भारतीय मिसाइल को लेकर तो पाकिस्तान के सियासतदान समेत पूरे पाक मीडिया ने भर भर के बकचोदी फैलाई, लेकिन जब बात पाकिस्तानी मिसाइल टेस्ट फेल होने की आई तो पाकिस्तानी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हुआ भी यही, कोई कुछ बोला ही नहीं। मालिक वो बोला, और जो बोला वो बस इतना, जामशोरों के इलाके अलियाबाद में आसमान से नामालूम चीज गिरने की इत्तला है। वो तो भला हो ANI का जो उसने हकीकत दुनिया के सामने ला दी, वरना पाकिस्तानी मीडिया तो बस यहीं तक सिमट कर रह गया था। भारतीय फौज को मिसाइल सिस्टम भी ऑपरेट नहीं करना आता। हाँ, भारत ने पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर मिसाइल घुसा दिया, और मिसाइल ऑपरेट करना किससे नहीं आता, भारत से। भारतीय मिसाइल बिना पकड़ में आए पाकिस्तान में जाकर गिरती है, और भारतीय मिसाइल टेस्ट
सक्सेसफुल रहता है, लेकिन मिसाइल ऑपरेट करना किससे नहीं आता? भारत से। खुद के मिसाइल खुद के ऊपर आकर गिर रहे हैं, लेकिन मिसाइल ऑपरेट करना किससे नहीं आता? भारत से। ये ना समझा क्या मेरे को? मतलब भाई, बंदी अब तभी मानेगी जब हिंदुस्तानी मिसाइल इसकी खोपड़ी पर जाकर गिरेगा। भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। भाई ये देखो, जिनके खुद के मिसाइल ऊपर जाकर सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, टारगेट की तरफ ना जाकर यू टर्न मार रहे हैं, वो भी बकचोदी पेल रहे हैं। भारत का नाकारा मिसाइल सिस्टम खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा। भाई भारतीय मिसाइल तो तुम्हें बाद में खतरा बनेंगी, पहले अपने मिसाइल संभालो। साला खुद के लिए खतरा बने बैठे हैं। और झोपड़ी वालों, जितने तो तुम्हारे मिसाइल ऊपर नहीं जाते होंगे, उससे कहीं ज्यादा ऊपर तो हमारे 50 रुपए वाले रॉकेट चले जाते हैं। मजा आया। भाई पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षण क्या किया, पूरे पाकिस्तान में हल्ला हो गया कि भारत ने दूसरी मिसाइल दाग दी है, जबकि बंदे खुद की मिसाइल खुद में ही मार बैठे थे। लेकिन मजाल है, पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से इसके लिए एक शब्द भी निकल जाए, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानियों से पहले ही बोल रखा है कि मिसाइल आपके सिर पर क्यों ना गिर जाए। लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन भाई ये सब हुआ कैसे कि पाकिस्तान ने खुद का मिसाइल खुद में मार लिया? क्योंकि भाई जब से भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरा है, तब से पोर्कियों पर भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस की रिवर्स इंजीनियरिंग करने का भूत सवार हो गया है। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग तो करने से रहे, तो रिवर्स इंजीनियरिंग के चक्कर में खुद का मिसाइल ही रिवर्स मार लिया। क्योंकि भाई पोर्कियों के लिए तो रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ही अलग है। इससे पहले ये मेड इन पाकिस्तान ट्रैक्टर बनाने के चक्कर में ट्रैक्टर में भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और रिजल्ट माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। भाई आखिर में इन पाकिस्तानियों से मैं बस इतना कहूँगा, तुमसे ना हो पाएगा। तुम ये कॉन्डोम के बने मिसाइल ही उड़ाओ, असली मिसाइल उड़ाना तुम्हारे बस का नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई लोग यहाँ तक थी वीडियो, तो मेरे को तो बहुत मजा आया भाई। ठीक है, तो ये वैसे खबर सच्ची है कि पाकिस्तान ने इन्होंने मिसाइल टेस्ट किया था, तो वो मिसाइल फेल कर गई इनकी। तो कई पाकिस्तानियों ने ये खबर छिपाने की कोशिश की, यूट्यूबर्स तो मान ही नहीं रहे जो पोर्की हैं। ठीक है, उनके आम जनता को तो कुछ पता ही नहीं होगा, यूट्यूबर भी नहीं मान रहे। ठीक है, हमने कोई खबर नहीं देखी भाई, तुम्हारी जो पाकिस्तान वाले न्यूज़ चैनल है ना, वो तुम्हें वो खबर दिखाते ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारी जुतियाँ पड़ती हैं। तो बाकी रही बात है इमरान खान की, तो इमरान खान तो भाई मैंने आपको पहले बोला हुआ कि इमरान खान जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मैंने ये 2018 में बोलना शुरू कर दिया था जब आया ही था बेचारा। ठीक है, कि ये 3-4 साल से ऊपर नहीं रहेगा। तो उसके बाद फिर मैंने इसको भी ट्वीट मारे भी, तेरे घड़ी का टाइम टिक 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 शुरू हो चुका है। वो ये जिस दिन उतरेगा ना, चाहे इसी में, मैंने वैसे मिड में बोला था, सॉरी भाई लोग, ये बहुत जो हरामी है ना इमरान, ये उनका जो होता है ना गैर कानूनी चल रहा है वैसे वहाँ पे, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम होता है, 15 दिन में वो करवाना होता है नो कॉन्फिडेंस वाला। ठीक है, उन्होंने मोशन आगे कर दी है, लेकिन वो जो स्पीकर है वो मिला हुआ है इमरान खान से, वो आगे आगे करता रहता है। अब ये चला गया कोर्ट में केस। ठीक है, तो ये भी एक दो दिन में हो जाएगा। धरने तो इनके शुरू हो चुके हैं, यानी कि मेरा मिड का था, मार्च का था, तो तकरीबन मिड मार्च तो गुजरने वाली है। ठीक है, तो उन्होंने भी थोड़ा लेट सबमिट करवाया अपना जो नो कॉन्फिडेंस का था, तो हो जाना था। तो इमरान अब सिर्फ टाइम गेन कर रहा है कि थोड़ा और आगे हो जाए, थोड़ा और आगे हो जाए, लेकिन ये कब तक आगे आगे करता रहेगा ये ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसकी जितना लगना है लग जाएगा। अब तो ये भी सुनने में आया कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है बाजू बाजवा, ठीक है, उसने भी इमरान को बोला है कि इस्तीफा चुपचाप दे दे, नहीं तो तेरे लिए बुरी बहुत तेरे साथ बुरी बहुत होगी। तो ये भी बात सच है, ये भी पोर्की नहीं मानते। ठीक है, यूट्यूबर्स नहीं मानते, मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पे देखा है, वो मानते नहीं कि बाजवा ने उसको ऐसे बोल दिया। चलो खैर, हमारे पास तो न्यूज़ पहुंच जाती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो मेरे को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा रोस्ट किया। ठीक है, तो अपने भाई के इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, सब्सक्राइब जरूर किया करो। बीच बीच में ये फनी वीडियो इसलिए लेके आता हूँ कि आपका माहौल भी चेंज होता रहे। ठीक है, आप मेरे साथ देखो, मेरे को आपके साथ देखने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, देखने को तो मैं अकेला भी देख लूँ वीडियो, ठीक है, आप भी अकेले देख लेते हो, लेकिन जब किसी के, आप समझो जब आप मेरे साथ देखते हो, आप मेरे साथ ही जुड़े हुए हो। ठीक है, अगर मेरा कोई, मैं आपको बात बताता हूँ, जब आपने कुछ बोला था तो आप कमेंट में मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ देखता हूँ। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और भाई लोग, हम इस मीडिया वॉरफेयर में एक सोल्जर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। ठीक है, इस टाइम तक 417 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो थैंक यू
जो मेरे सब्सक्राइबर बने हुए हैं, मैं उनको सब्सक्राइबर नहीं, उनको मैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में सोल्जर ही मानता हूँ। और जो मेरे को डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं, जहाँ हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनका मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। भाई आप कम से कम, मेरे को ये इंटीमेशन हो जाती है कि आप देखते हो वीडियो और आपका कोई ना कोई रिप्लाई होता है। कई वीडियो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि कई जो मेरे यूट्यूबर्स, जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जहाँ फिर ऑडियंस नहीं भी आती है, तो थोड़ी सी वीडियो देख के निकल जाती है, कोई बीच में से देख के निकल जाती है। लेकिन मैंने कई नोट किया है कई कमेंट्स में कि मेरे जो प्यार करते हैं, मुझे सच में प्यार करते हैं, वो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं। और मैंने देखा है कि बीच के, कई बार मैंने बीच में बोला था, आधे आधे घंटे, पौने पौने घंटे, घंटे घंटे की वीडियो होती है, बीच में बोली चीज़ होती है, उस पर भी कमेंट लिख देते हैं कि भाई आपने ये चीज़ बोली थी, ठीक है, हम आपके साथ हैं, या आपका कुछ भी है, जो भी उन्होंने बताया, इसका मतलब मेरे को उस कमेंट से पता चल जाता है कि भाई ने मेरी पूरी वीडियो देखी है और सच्चे दिल से अपने देश को प्यार करता है और मेरे को जरूर करता है, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो, जो नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो। अगर आपकी कोई सजेशन है या कुछ मेरे बारे में बोलना है, या नेगेटिव बोलना है या पॉजिटिव बोलना है, वो कमेंट में जरूर लिख दिया करो। मैं किसी बात का गुस्सा नहीं करता, मैं हमेशा कमेंट का जवाब कोशिश करता हूँ देता हूँ। और जो मैं हार्ड देता हूँ भाई लोग, इसका मतलब मैं हार्ड सबको इसलिए देता हूँ कि मैं वो कमेंट पढ़ लेता हूँ। जिस दिन आपको हार्ड मिल जाता है, समझो मेरा, मैंने कमेंट पढ़ लिया, हो सकता है कि उस पर मैं कुछ कमेंट लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जवाब दे दूँ। कई बार जल्दी में होता हूँ इसलिए मैं हार्ड देके फटाफट निकल जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ूँ और जवाब दूँ सबका, ठीक है। मेरा यही है कि मैं आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही रखूँगा, चाहे मेरे जितने मर्जी आप सोल्जर बन जाओगे, जितने मर्जी आ जाएँ, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूँगा। आपको हमेशा मेरे, मैं आपके कमेंट, एक एक कमेंट पढ़ूँगा, चाहे हज़ारों कमेंट आएँ, ठीक है। उनका अगर मेरे को जवाब देना होगा तो मैं उनका जवाब भी दूंगा। तो ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैं आपसे दिल से जुड़ा हूँ। मेरे को ये नहीं है कि, मैंने बहुत सारे देखा है, कोई लाइक भी नहीं देता, ना आपको कोई कमेंट का रिप्लाई आता है, ना कोई आपको फाड़ देता, आप अच्छी बात भी करते हो, लेकिन मेरे लिए ये कभी भी नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एज ए सोल्जर मानता हूँ, सोल्जर होते हैं भाई भाई, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आप मेरे सोल्जर हो, मेरे साथ जुड़े हो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।